रहते हैं और एग्जिस्ट करते हैं, आपस में इंटरैक्ट करते हैं, उसको बोलते हैं एनवायरनमेंट। तो हमारे आसपास के जो भी चीजें हम देखते हैं, जिसके बीच हम रहते हैं, वो हमारी सराउंडिंग है, उसी को एनवायरनमेंट कहते हैं। सराउंडिंग जो है वो दो वर्ड से बना हुआ है, फिजिकल यानी फिजिकल कंपोनेंट और बायोलॉजिकल फैक्टर यानी फिजिकल का हमारे आसपास, हमारे आसपास लैंड है, सॉइल है जिसका हम यूटिलाइज भी करते हैं, माउंटेन्स है, एयर है, ये सारे फिजिकल कंपोनेंट हो गए, प्लस बायोलॉजिकल कंपोनेंट जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो बायोलॉजिकल फैक्टर, इन सारे दोनों चीज़ों से मिलकर बनाए हमारे सराउंडिंग। और इसी के इस सराउंडिंग के बीच जब हम रहते हैं और एग्जिस्ट करते हैं तो इसको बोलते हैं एनवायरमेंट, हमारा वातावरण। हर जगह का वातावरण यानी एनवायरमेंट अलग अलग प्लेस का अलग अलग होता है। अगर हम बात करेंगे कि साउथर्न इंडिया की बात करें तो वहाँ ज़्यादा गर्मी में ज़्यादा, बहुत ज़्यादा गर्मी भी नहीं पड़ती, बहुत ज़्यादा ठंडी भी नहीं पड़ती। लेकिन अगर हम नॉर्थन इंडिया की बात करेंगे तो नॉर्थन का टेम्परेचर एक्सट्रीम होता है। जैसे दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में विंटर भी एक्सट्रीम होता है और समर भी एक्सट्रीम होता है। तो वहाँ का एनवायरमेंट डिफरेंट हो गया और वही साउथर्न इंडिया का एनवायरमेंट जो है वो डिफरेंट है। सहारा का एनवायरमेंट डिफरेंट है और लद्दाख का एनवायरमेंट डिफरेंट है। तो अलग अलग प्लेस का एनवायरमेंट डिफरेंट डिफरेंट होता है। आपके अपने स्कूल का एनवायरमेंट अलग होता है, आप तो चाहेंगे यहाँ के रूल्स होते हैं, रेगुलेशन होते हैं, उसके अकॉर्डिंग आप काम करते हैं। लेकिन घर में क्या होता है, घर के एनवायरमेंट के अकॉर्डिंग होते हैं, वहाँ आपके पेरेंट्स जो आप बोलते हैं उनकी बात मानते हैं या फ्री आप फील करते हैं अपने घर में, तो वहाँ का एनवायरमेंट क्योंकि डिफरेंट होता है। तो डिफरेंट डिफरेंट एरिया का या कहें प्लेस का एनवायरमेंट डिफरेंट होता है। एनवायरमेंट जो है वो दो कंपोनेंट का बता रही है, नेक्स्ट टॉपिक आपका जो कंपोनेंट होता है एनवायरमेंट, जो एनवायरमेंट जो है वो दो चीज़ों से बना है, दो चीज़ के मिक्सचर यानी नेचुरल एनवायरमेंट और मैन मेड एनवायरमेंट से बना है हमारा ये सारा एनवायरमेंट। तो नेचुरल एनवायरमेंट किसको बोलेंगे, तो जो एनवायरमेंट दैट आर प्रोवाइडेड बाय द नेचर, हमारे नेचर से जो भी कुछ हमें मिला है, जो पहाड़ ये झरने रिवर्स ओशन लेक्स जो भी ब्यूटीफुल चीज़ें मिली हैं जो नेचर है वो सब जो है नेचुरल एनवायरमेंट है। वेदर रिलेटेड जितने भी फेनोमेना होते हैं, बिजली चमकती है, ठंडा होता है, स्ट्रॉन्ग होता है, ये सब नेचुरल फेनोमेना है। और ये किसके अंदर आता है, ये नेचुरल एनवायरमेंट के अंदर आता है। तो नेचुरल एनवायरमेंट में दो कंपोनेंट आते हैं, बायोटिक और एबायोटिक। बायोटिक वो है जहाँ लाइफ प्रेजेंट है, ऑल द लिविंग थिंग्स आर इंक्लूडेड इन द बायोटिक एनवायरमेंट एंड ऑल नॉन लिविंग थिंग्स आर एडेड इन द एबायोटिक। एबायोटिक जो कि नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट है, पहाड़ है ना, माउंटेन्स है, लैंड है, वाटर है, सॉइल है, एयर है, ये सब एबायोटिक है। और बायोटिक में आ गया प्लांट्स एंड एनिमल, जहाँ लाइफ प्रेजेंट है, जहाँ भी लाइफ प्रेजेंट है वो बायोटिक। तो ये दो कंपोनेंट है। इस वीडियो में सिर्फ मैं आपको नेचुरल एनवायरनमेंट समझाती हूँ कि नेचर से प्रोवाइडेड जो भी चीज़ें हैं वो नेचुरल एनवायरनमेंट है। आइए इस बोर्ड के नेक्स्ट पार्ट आगे ये देखिए, ये मैंने फ्लो चार्ट बनाया, इस फ्लो चार्ट को आपने सॉल्व कर लीजिए। ये नेचुरल एनवायरनमेंट है और इस ये जो चार मैंने लिखे हैं लिथोस्फेयर, एटमोसफेयर, बायोस्फेयर, ये चारों जो है वो क्या है, डोमेन्स ऑफ द अर्थ है, जिसको हम एलिमेंट ऑफ द नेचुरल एनवायरनमेंट। हमारा अर्थ जो है वो चार डोमेन्स का बना हुआ है, वो है ये चार लिथोस्फीयर, एटमॉस्फेयर। इन्हीं चारों डोमेन्स के कारण ही अर्थ एक यूनिक प्लैनेट है। इसमें से एक भी अगर स्फीयर जो है वो मिसिंग हो जाएगा तो लाइफ नहीं रहेगी। अगर एयर नहीं है तो आप ब्रीथ कैसे करोगे, तो आपका एटमॉस्फेयर नहीं होगा तो आपका अर्थ का टेम्परेचर अलग होगा। अगर लैंड नहीं होगा तो आप कहाँ पर स्टे डाउन करेंगे, जितने भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज करते हैं वो कहाँ करेंगे, पानी के बिना आपकी लाइफ सर्वाइव नहीं होती। तो ऑल द एलिमेंट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द नेचुरल एनवायरनमेंट। तो एक एक करके समझाती हूँ मैं, लिथोस्फेयर क्या है। तो लिथोस्फेयर यानी वो स्फेयर जो रॉक से बना है, लिथो मीन्स होता है रॉक्स। तो जो स्फेयर रॉक से बना है, हार्ड है, सॉलिड है, उसको बोलते हैं लिथोस्फेयर। एग्जाम्पल है माउंटेन्स है, प्लेन्स है, डेजर्ट है, प्लेट्यूज है, ये सब लिथोस्फेयर में आए। नेक्स्ट है हाइड्रोस्फेयर, वाटर बॉडी यानी एवरीवेयर वेयर द वाटर इज प्रेजेंट इज नोन एज हाइड्रोस्फेयर। वो स्फेयर जो पानी है, जहाँ जहाँ भी पानी प्रेजेंट है, जैसे पानी कहाँ रिवर में है, पॉन्ड में है, लेक्स में है, ओशन में है, ग्लेशियर में है। हमारे अर्थ का ज़्यादातर परसेंट का वाटर जो है वो ग्लेशियर में है, जो सॉलिड है। तो सॉलिड पोर्शन भी हमारा क्या है, वाटर का ही फॉर्म है। हवा में, एयर में वाटर वेपर प्रेजेंट होते हैं ना, वो वाटर वेपर जो है जो गैस के फॉर्म में, वो भी जो है हाइड्रोस्फीयर का ही पार्ट है। तो ये हाइड्रोस्फीयर है। इसके बाद है एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर यानी वेयर द लेयर ऑफ
आप नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर में सॉरी पढ़िएगा, नेक्स्ट चैप्टर में आप पढ़िएगा कि एयर के कितने लेयर्स होते हैं, 5 लेयर होते हैं हॉरिजन की, तो सबसे इंपॉर्टेंट लेयर जो होता है उसको ट्रोपोस्फेयर होता है। जितने भी वेदर रिलेटेड फेनोमेना यानी प्राकृतिक घटना होती है ना, जैसे बिजली चमकती है, बादल गरजते हैं, बारिश होती है, फॉग होता है, वो सब सबसे एटमोसफेयर के नीचे की लेयर में होता है, उसको ट्रोपोस्फेयर कहते हैं। तो ये हो गया एटमोसफेयर और बायोस्फेयर। बायोस्फेयर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्फेयर। जैसे आपने ये तीनों पढ़ा, ये सारे तीनों स्फेयर जो है वो ए बायोटिक में आ गए, क्योंकि इसमें लाइफ नहीं है, वाटर में भी लाइफ नहीं है, लेकिन जहाँ जहाँ लाइफ प्रेजेंट है इन तीनों स्फेयर में, मान लो हाइड्रोस्फेयर बात करते हैं पानी की, तो पानी में एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं, पानी में रहने वाले एनिमल्स उनकी लाइफ होती है। लिथोस्फेयर में कई एनिमल्स होते हैं, ह्यूमन बींग्स है, जहाँ प्लांट्स हैं, वो सारे जो है वो बायोटिक कंपोनेंट हो गए। या एटमोस्फेयर में हवा में माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट होते हैं, बर्ड्स होते हैं, तो वहाँ भी लाइफ प्रेजेंट है। तो तीनों स्फेयर को मिला के बना है बायोस्फेयर, यानी ऐसा स्फेयर जहाँ लाइफ प्रेजेंट है, चाहे वो हाइड्रोस्फेयर में है या लिथोस्फेयर में या एटमोस्फेयर में, जहाँ जहाँ लाइफ प्रेजेंट है वो सबको मिला के बना है बायोस्फेयर। तो ये आपने पूछा है, इसका एग्जाम्पल भी मैंने दिया, बायोस्फेयर में प्लांट्स एंड एनिमल्स हैं। तो ये हो गया, ये जो हो गया ये आपका क्रैश कोर्स का वीडियो बन हो गया। अब देखिए ये दो क्वेश्चन मैंने आपको दिए हैं इस वीडियो से रिलेटेड। पहला क्वेश्चन है, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन हाइड्रोस्फेयर एंड लिथोस्फेयर, इस पे आपने 4 लाइन का शॉर्ट नोट लिखना है। एंड द क्वेश्चन नंबर 2 इज व्हाट डू यू मीन बाय इन्वायरमेंट, नोट डाउन दिस क्वेश्चन एंड सॉल्व, ट्राई टू सॉल्व दिस। थैंक यू स्टूडेंट्स, बाय।